What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 18 अगस्त 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:55 हो रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। लास्ट वीक से हम लोग देख रहे हैं एक निफ्टी में स्लगिश वे में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड होता है, जो बिटवीन द आवर्स है, इनिशियल फर्स्ट आवर, उसके बाद जो लास्ट आवर होता है ट्रेडिंग का, उसके बीच में एक साइडवेज पैटर्न में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता है। तो अगर आप FII और DII की एक्टिविटीज़ देखें, ये चार्ट है FII एंड DII वर्सेस निफ्टी। ब्लू लाइन जो है वो निफ्टी इंडेक्स का प्राइस हमें यहाँ पर दिखा रहा है, और ये जो नीचे रेड और ग्रीन कैंडल है, ये रेड जो है FII का एक्टिविटी दिखाता है, और ग्रीन कैंडल जो है ये हमें DII का एक्टिविटी दिखाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेड कैंडल्स है, ये काफ़ी छोटी छोटी अभी फॉर्म हो चुकी है, यानी यहाँ पर FII का जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम हो रहा है। अगर 27 जुलाई से देखें तो यहाँ पर FII का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। तो यहाँ पर एक स्लगिश वे में निफ्टी इंडेक्स काफ़ी देर ट्रेड करते हुए हमें दिखाई देता है। तो ऐसे माहौल में अवॉइड करें या फिर अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना ही एक अच्छा तरीका है इस मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए। रैंडम ट्रेड्स अवॉइड करें लेना, क्योंकि जो बड़े बिग प्लेयर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन कुछ दिनों से मार्केट में नहीं है। तो एक स्लगिश वे में निफ्टी साइडवेज पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। नीचे आप देख सकते हैं ये FII का नेट परचेस नेट सेल्स का डेटा है, कितना कम है। अगर एटलीस्ट 1000 ये करोड़ के ऊपर होगा तो निफ्टी इंडेक्स में मूवमेंट दिखाई देता है, लेकिन ये अगर देखें तो काफ़ी कम है इस समय। तो यहाँ पर निफ्टी में एक साइडवेज पैटर्न बन चुका है। चार्ट पर देखेंगे क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 17 अगस्त आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ये आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,217। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स एग्जैक्ट ये जो हमारा फर्स्ट टारगेट था 11,238 एग्जैक्ट उसी के पास ही ये ओपन हुआ। तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना, उसके बाद निफ्टी काफ़ी साइडवेज पैटर्न में लगभग ट्रेड कर रहा था पूरे दिन। एक बार इसने फर्स्ट टारगेट को अचीव किया एग्जैक्ट फिर से 11,238 जहाँ पर ये ओपन हुआ था, एग्जैक्ट उसी के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर साइडवेज पैटर्न में चला गया। और 3 बजने के बाद जो हाफ एन आवर बजा था उसमें एक मोमेंटम आने के बाद ये सेकंड टारगेट भी एग्जैक्ट अचीव हुआ, यहाँ पर ही इसने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस फेस किया। तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए, और कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18 पॉइंट्स का यहाँ पर ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 13,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बच सकता था। ये था कल के एनालिसिस का एक रिव्यू। ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते हैं। नैस्डैक कल देखें तो 110 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन बाज़ार भी देखें तो हल्की सी बढ़त वहाँ पर देखने को मिली थी। एशियाई बाज़ार को आज देखें SGX निफ्टी हल्की सी बढ़त दिखा रहा है, और जापानीज़ इंडेक्स 124 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर भी देखें तो कमज़ोरी देखने को मिल रही है, तो मिला जुला कारोबार इस समय ग्लोबल मार्केट्स में भी देखने को मिल रहा है। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट से शुरू करेंगे। मंथली चार्ट में ये 20 EMA का जो मूविंग एवरेज है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन जिसे हम कहते हैं, ये कैसे देखिए सपोर्ट का काम करता है। पास्ट में जैसे इसने सपोर्ट का काम किया था, हो सकता है अभी यह 20 EMA के ऊपर चला गया है, तो यहाँ से अगर कोई भी करेक्शन आता है तो 20 EMA के पास फर्स्ट सपोर्ट हो सकता है। तो ये अभी इस वक्त 10,836 के पास आ रहा है, यानी राउंड फिगर कर देते हैं 10,800 के पास मंथली चार्ट में, लॉन्ग टर्म फ्रेम के चार्ट में सपोर्ट है। और ऊपर जब तक ये जो बियरिश कैंडल है इसका हाई जब तक ये ब्रेक नहीं करता, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, यहाँ से हमें कंफर्मेशन नहीं मिल सकता कि अपसाइड जर्नी यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे। तो हो सकता है इस लेवल के आसपास निफ्टी कंसोलिडेट करे, एक टाइम स्पेंड करे। अगर वीकली चार्ट में हम देखें, ये वीकली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का, हमने पास्ट वीडियोज़ में भी दिखाया था अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो जोन है यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट में कितना वीक इसने इस जोन में यहाँ पर ट्रेड किया है, एक कंसोलिडेशन फेज इस जोन में देखने को मिलता है ओवरऑल।
तो पास्ट में जैसे इस जोन के पास निफ्टी इंडेक्स ने ये टाइम स्पेंड किया था, हो सकता है इस जोन में निफ्टी इंडेक्स फिर से एक बार साइडवेज पैटर्न दिखाए और फिर उस अपर बैंड का या फिर लोअर बैंड का ब्रेकआउट मिलने के बाद हमें नेक्स्ट ट्रेंड का कंफर्मेशन यहाँ पर मिल सकता है। तो ये वीकली चार्ट का सीनारियो है। डेली चार्ट को देखें तो हमने जैसे कि यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो को पकड़ के ये ड्रॉ किया था। तो इसका 61.8% का लेवल एग्जैक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस काम किया है इसने और यहाँ से करेक्शन दिखा। अभी 20 EMA के पास ये सपोर्ट ढूंढ रहा है, यानी 11,100 के पास है ये अभी। तो नीचे ये 11,000 साइकोलॉजिकल बैरियर होगा। अगर 20 EMA ब्रेक करता है तो मंथली चार्ट में हमने देखा 10,800 के पास सपोर्ट है। अगर हम इसे अभी रिमूव कर दें और जो हमारा नेक्स्ट स्विंग लो मिल रहा है, यानी ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो, तो आप देख सकते हैं ये जो 50% के लेवल से यहाँ पर ये यहाँ से अगर ये ट्रैवल करता है फिर से ऊपर की तरफ तो 50% के पास इसे इस बियरिश कैंडल को ब्रेक करना होगा। उसके बाद 11,409 जो कि एक हर्डल है जहाँ पर मंथली चार्ट में बियरिश कैंडल का हाई उसी लेवल के पास आ रहा है। तो 11,409 तक अगर यहाँ से बाउंस बैक होता है तो 11,409 के पास फिर से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो ये डेली चार्ट का सिनेरियो है। 20 EMA ब्रेक होता है ये अराउंड 11,100 के पास है। तो उसके बाद यहाँ पर ये जो स्विंग लो बना है, ये स्विंग लो जहाँ पर ये इस लेवल ने पास्ट में रेजिस्टेंस का काम किया था, अभी इस बार सपोर्ट का काम किया है, तो इस लेवल के आसपास फिर से हमें नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे सकता है। तो ये डेली चार्ट का सिनेरियो है। अभी फिलहाल ये इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ है, कल जो बियरिश कैंडल बना था उसके बीच में ये ट्रेड हो रहा है, तो इसका हाई और लो अभी काफ़ी क्रूशल बन जाता है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स हो क्या हो सकते हैं उसको देखेंगे। ये जो बुल कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, इसका हाई अगर ब्रेक करता है यानी कल के हाई के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। आप देख सकते हैं पास्ट में इसने इस लेवल को सपोर्ट टेस्ट किया था, तो अभी ये रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस कर सकता है। तो 11,266 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही बाय करें और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,280, एक छोटा सा फर्स्ट टारगेट होगा और उसके बाद सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R1 का लेवल जो कि 11,294 के पास है। और कैंडल को देखें, सेकंड लास्ट कैंडल को, तो हैमर जैसा कैंडल बना है यहाँ से। मतलब बुल्स ने ट्राई किया कि उनका जो पार्टिसिपेशन है यहाँ से ज़्यादा हो सकता है। तो इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, यानी 11,216 को अगर ब्रेक करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,200, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,183, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।